जी देखिए, जो ये उन्होंने ये बात बोली कि यूजीसी के तरफ एक कदम है, नरेंद्र मोदी ने लाल किले पे खड़े होके कहा कि भाई इसका समाधान अपनी कौम के अंदर से निकाल लो। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड से कहा भाई इसका समाधान अपने अंदर से निकाल दो, हलफनामा दे दो। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हलफनामा दिया कि औरतें तो आधी पागल होती हैं। गवर्नमेंट ने और सुप्रीम कोर्ट ने एक साल अपॉर्चुनिटी दी ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड को कि इसका समाधान अंदर से निकाल लो। हमारी कौम की बदकिस्मती यह है कि हमारे नेता ना तेल देखते हैं ना तेल की धार देखते हैं। ये भूल गए कि ये राजीव गांधी का जमाना नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का जमाना है। ये भूल गए कि नरेंद्र मोदी वो आदमी है जिसने जिसने नोटबंदी से पहले किसी से नहीं पूछा, जिसने जीएसटी से पहले किसी से नहीं पूछा। जो उसकी वोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी थी तो मौलाना जब आप उसकी वोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, अरे भाई जरा अकल लगाओ, तुमसे पूछेगा क्यों? जब वो अपनी अपनी वोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो आदमी नहीं पूछता। नहीं तो साहब, क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार इसलिए ये डिसीजन ले पाई, इसलिए इतना कड़ा रुख ले पाई क्योंकि मुसलमान वोट बैंक नहीं है बीजेपी का, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, नरेंद्र मोदी ने तीन बार दिखाया है कड़ा रुख लेके इस देश में। पहले दिखाया नोटबंदी में, फिर दिखाया जीएसटी में, फिर दिखाया ट्रिपल तलाक में। तो यही मैं इनको समझा रहा हूँ, वो आदमी बहुत ही डायनेमिक लीडर है, जिद्दी लीडर है, पॉजिटिवली एरोगेंट लीडर है। आपने उसको राजीव गांधी समझ लिया, ये आपने बहुत बड़ी गलती करी। हाँ ठीक है, ठीक है मोहम्मद।